गाइस आज जा रहे हैं हम सिविल क्वार्टर देखने के लिए, एक दोस्त के लिए मुनीर का। मैं देखेंगे प्राइवेट में कैसे क्वार्टर। तो फिलहाल गाइस हम यहां से मार्च कर चुके हैं, हम जाएंगे देखेंगे वहां पे क्वार्टरों का क्या रेंट है सिविल में क्वार्टर का। गवर्नमेंट क्वार्टर का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर आज औसत मेरा है हमको कि हम बनाएंगे एक सिविल क्वार्टर में जो यहाँ पे लोगों ने रेजिडेंस बनाए हुए हैं उनके क्या चार्जेस रहेंगे और कैसा रहेगा वहाँ का क्वार्टर, वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आपको दिखाएंगे हम पूरे क्वार्टर का व्यू। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और लाइक करने में थोड़ा सा कसर मत कीजिएगा। जो भी लाइव हमारे इस ब्लॉग को देखते हैं लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या कमी लगी उसमें और क्या अच्छाई लगी। आज वो क्वार्टर दिखाने जा रहे हैं हम आपको। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुनीर का ब्रिज के पास और यहाँ मुनीर का में हमें देखना है एक रूम किसी दोस्त के लिए, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ का। ये देख सकते हो गाइस ये सारे रूम्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल तंग गलियों के बीच में ये रूम्स हैं और इन्हीं का रेंट कम से कम 10 से 12,000 के रुपए के बीच में है। ऐसे अगर फ्रंट में लेना चाहो तो फ्रंट में लेने में रूम्स थोड़ा कम होते हैं क्योंकि फ्रंट का इलाका है। वैसे गली में देखो तो गली में रूम्स हैं मगर आप देख ही सकते हो कि कैसे हैं। तो इन्हीं का रेंट 12,000 ऐसा है। देख सकते हैं गाइस कैसी कैसी गलियां हैं यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं गली में यहाँ पे सिविल क्वार्टर यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी इतना भीड़, यहाँ पे भी क्वार्टर नहीं मिल रहे जो भी है रूम रहने के लिए। देख सकते हैं आप कैसे कैसे हैं यहाँ पे, ऊपर एकदम टाइट, मतलब धूप की तो आपको एकदम सनलाइट की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि सनलाइट आता नहीं है यहाँ पे, काफ़ी कम आता है और दिन भर यहाँ पे लाइट जली रहती है सबके घर में। ये तो बिजनेस एक तरह का बिजनेस बनने आती है लोगों ने यहाँ पे टाइट टाइट से घर बना के, एकदम मस्त बिजनेस। देख सकते हैं आप इस साइड में भी देखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हम मुनीरका के बिल्डिंग्स जो कि काफ़ी वेंटिलेशन का बिल्कुल जगह नहीं होती है, दोनों साइड से जहाँ पे बिल्डिंगें बनी होती है यहाँ की बिल्डिंग यहाँ की बिल्डिंग तो हवा नहीं चलती है। तो हम इस कंपार्टमेंट में जाएंगे देखने के लिए। तो अंदर आप देख सकते हैं ये है मुनीरका के रहने के लिए, जो कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए या कोई जॉब करने के लिए, तो इस प्रकार के रूम यहाँ पे मिलते हैं। वेंटिलेशन का नाम मत देना बस, बाकी सब चीज़ है वेंटिलेशन बहुत कम होती है यहाँ पे, पर गर्मियों के सीजन में ना बहुत दिक्कत होती है। देखो इतनी जगह मिलेगी आपको चलने के लिए और ये रूम सारे लगे हुए हैं, ये भी रूम में लगा हुआ है। कोशिश ये रहेगी कि कौन सा रूम हमें खाली मिलता है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस मिल गया है यहाँ पे खरीद लेते बस। देख सकते हो गाइस ये रूम है, तो फिलहाल एक वीडियो बना शूट कर रहे थे बस हम इस रूम का। तो गाइस ये रूम देख सकते हैं मुनीरका में, इसका रूम का रेंट जो है 7,000 के करीब है और ये रूम जो है एक आदमी के लिए सफिशेंट तो है, पर आपको बहुत कंजस्टेड है। किचन इसका साइड में है, मतलब अंदर किचन नहीं है, तो लोगों को गर्मी नहीं लगती है, वो तो फिर तो आपको बाथरूम दिखाना चाहिए। ये देख सकते हैं बाथरूम में आपको ज्वेलरी मिल जाती है और ये बाथरूम यहाँ पे आपको देख सकते हैं छोटा सा, यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है, इसी में आपने कपड़े भी धोए हैं और इसी में आपने सारा कुछ करना है। इतना ही आपको मिलेगा, इसका रेंट है 7,500 में भी और इसका जो है इलेक्ट्रिक बिल आपको अलग से देना पड़ेगा, वो भी 1,000 रुपये करीब पड़ती है। तो देखा जाए तो आपको 8,000 या 9,000 में ये रूम सेट दिल्ली के मुनीरका में मिल सकता है। तो गाइस ये था यहाँ का रिव्यू जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बहुत ही छोटे छोटे रूम हैं तो क्या कर सकते हैं और यहाँ पे गर्मी लगती होगी भाई साहब, थोड़ी बहुत
कूलर लगाने की जगह है, अलमारी है और एक यहाँ पे बेड लग सकता है। तो गाइज ये था इनका जो रूम है, वन रूम सेट, जिसमें बाथरूम अटैच मैंने आपको दिखाया, अटैच तो नहीं है, बालकनी में है इसका वॉशरूम और एक किचन बाहर आके ये दरवाजा है, आपको बाहर आना पड़ेगा और बाहर जाके एक छोटा सा किचन आपको यहाँ पे मिलता है और बिल्कुल छोटा, बस एक आदमी इसमें खड़ा होकर खाना बना सकता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है, बेसिकली छोटा सा किचन है, एक ही आदमी, दूसरा आदमी खड़े रहने की यहाँ पे जगह नहीं है। और ये भी आपका कमरे से बाहर है। तो यहाँ पे रेंट इस प्रकार से होते हैं, दिल्ली में जो लोग बाहर सियोल में रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं बाहर से, उनको इस प्रकार के यहाँ पे मतलब दूसरी तरफ झेलनी पड़ती है और इस प्रकार के कुटड़ों में रहना पड़ता है, क्योंकि घरों में हम बड़े बड़े रूमों में रहते हैं, दिल्ली में अगर सिंगल आदमी कोई रहे तो इस प्रकार से उनको अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है लो बजट में। बड़े बजट में जाओगे तो बड़े बजट में तो आपको काफ़ी चीज़ें करने को मिलेंगी। और फिलहाल हम चलते हैं आगे। तो गाइस ये था मुनीर का जो यहाँ पे लोग रहते हैं रेंट के ऊपर, उनका कैसे रहन सहन होता है ये आप लोगों को दिखा दिया हमने, और देखते हैं मेरे दोस्त को अगर ये रूम पसंद आता है तो उनको हम शेयर कर देंगे, और आप भी कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ का रहना सहना, यहाँ का रूम वगैरह बताना जरूर कमेंट करके, ताकि हम ये जान सकें कि कैसे यहाँ के रूम, बाकी जो दिल्ली में रहा उनको सब पता है। गाइस ये था, ये जो हम बाहर में आए थे मुनीरका में, जो सियोल में क्वार्टर मिलते हैं रेंट पे रहने के लिए लोगों को, तो आपको हम दिखा दिया है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और देख रहे हो यहाँ पे हालत क्या है, गर्मी से क्या हालत है, क्योंकि वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो सरकारी क्वार्टर जो होते हैं सरकारी हैं आप जानते हैं उसको, लोग यहाँ पे सरकारी क्वार्टर के लिए ज़्यादा क्यों इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन, अपना वातावरण, बाहर की हवा, पेड़ पौधे साफ सुथरा सब कुछ मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट क्वार्टर को ज़्यादा लाइक करते हैं। और सिविल में तो आपको ऐसे मिलेगा, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ की बिल्डिंग और यहाँ बिल्डिंग में सिर्फ 3 फीट भी नहीं, 2.5 फीट का ही अंतर है, कहाँ से हवा आएगी, इतना अंतर है, इससे बनाना कम जगह बिल्कुल अंतर नहीं है, देखो इतनी ही जगह है, यहाँ की बिल्डिंग यहाँ की बिल्डिंग है, तो कहाँ से वेंटिलेशन होगा, हवा से पास नहीं होती है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे, पर रहना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा तो लाइक बटन जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।